नमस्कार, बीटी न्यूज बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं गुलशन कुमार। बिहार में क्वारंटाइन सेंटर की बदहाली का तस्वीर लगातार हम आपको दिखाते आ रहे हैं। बिहार में विपक्ष लगातार सरकार पर क्वारंटाइन सेंटर को लेकर निशाना साध रहे हैं, लेकिन सुशासन बाबू के अधिकारी अपने आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं, उस तस्वीर को देखकर आप भी कहेंगे कि बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था नाम का कोई शब्द नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्था के नाम पर सरकार के अधिकारी पुलिसिया धौंस दिखाते नजर आते हैं। तस्वीर बेगूसराय के बलिया बाजार के पुरानी दुर्गा मंदिर के समीप की है, जहां नीतीश बाबू के अधिकारी अपने वर्दी का धौंस दिखाकर लोगों को कैसे पीट रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जबरन लोगों को पीट पीट कर क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है, जबकि वह युवक कह रहा है कि मुझे कोरोना नहीं है। चुप हट जाओ। अब हम क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति दिखाएंगे, जिसमें एक युवक क्वारंटाइन सेंटर की बदहाली का पोल खोलकर रख दिया है। क्वारंटाइन सेंटर में जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की बात बताई जा रही है, जो कि यह एक बड़े धांधली की ओर इशारा कर रही है। मैं भी 5 तारीख से क्वारंटाइन सेंटर में हूँ, मैं भी कोरोना पॉजिटिव हूँ। मैं खुद हॉस्पिटल गया था और अपना जाँच करवाया था, मुझे पॉजिटिव आया, मेरा कोरोना पॉजिटिव आ गया। ठीक है, 3 दिनों बाद मैं भी यहाँ क्वारंटाइन सेंटर आया, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर में पॉलिटेक्निक कॉलेज क्वारंटाइन सेंटर में कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए कोई भी संक्रमित व्यक्ति आना नहीं चाहता है। कोई संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन सेंटर में आना नहीं चाहता। बोलो बीजेपी सरकार को खत्म। क्वारंटाइन सेंटर में कोई नहीं आना चाहता है, इसलिए कोई व्यक्ति जो भी संक्रमित व्यक्ति है वो क्वारंटाइन सेंटर नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले अपने लाइव के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बताया था कि क्वारंटाइन सेंटर में कितनी अव्यवस्था है। ना यहाँ पानी मिलता है, ना यहाँ सही से भोजन मिलता है, ना यहाँ जांच होती है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्वारंटाइन सेंटर में जाँच होता है? क्वारंटाइन सेंटर में जाँच नहीं होता है, कोई जाँच नहीं होता है। ना ही थर्मल स्कैनिंग की जाती है, ना ही पल्स रेट जांच किया जाता है, ना ही ऑक्सीजन जांच किया जाता है, कुछ जांच नहीं होता भाई मेरे, कुछ जांच नहीं होता है। ये पूरा का पूरा अव्यवस्था है। मैं कल भी राकेश सिन्हा जी को मैं फोन किया था, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं यहाँ जो भी अव्यवस्था है वो मैं ठीक करूंगा। मैं कल डीजीपी साहब को भी मैंने फोन किया, उन्होंने वीडियो भेजा कि कितनी बेरहमी से आपकी पुलिस जनता को मार रही है, कितनी बेरहमी से आपकी पुलिस जनता को मार रही है। मैंने कल डीजीपी साहब से भी बात किया है। अब जांच की मानक का भी आपको मैं बता देना चाहता हूं। मैं खुद अस्पताल, मैं भी कोरोना पॉजिटिव हूं, मैं 5 तारीख से रह रहा हूं यहां पे क्वारंटाइन सेंटर में, कोई व्यवस्था नहीं है। मैं खुद जाँच करवाया कि चलो जाँच करवाना चाहिए, सभी को जाँच करवाना चाहिए। इसलिए मैं गया, जांच करवाया, मैं पॉजिटिव आया, लेकिन मेरा सिम्टम कुछ नहीं था, मेरा लक्षण कोई कुछ नहीं था।
फिर भी मैंने जांच करवाया और फिर भी पॉजिटिव आया। 3 दिनों बाद मैं यहाँ क्वारंटीन सेंटर आ गया। मैं 5 तारीख से क्वारंटीन सेंटर में यहाँ हूँ। अब मेरा डिस्चार्ज होने वाला है। डिस्चार्ज जब यहाँ होता है तो यहाँ पर किसी की भी जांच नहीं होती है। आप समझिए, यहाँ कोई जांच नहीं होती है, ना जांच की सुविधा है। यहाँ सिर्फ फॉर्मेलिटी, कभी एक दिन थर्मल स्कैनिंग से जांच कर लिए तो ठीक है, नहीं तो कोई जांच नहीं होती यहाँ पे, ना कोई यहाँ इलाज होता है। आप मत समझिए, क्वारंटीन सेंटर में कोई इलाज नहीं होता है भाई। आप सभी समझे, सभी समझे आप। तो मैं यहाँ आया क्वारंटीन सेंटर में। अभी जितने भी लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं उनको कोई, उनका कोई इलाज नहीं होता है कि उनका फिर से जांच हो रहा है कि हम आप नेगेटिव है। कैसे नेगेटिव है? उसको पेपर दिया जाता है कि यू आर फ्री फ्रॉम कोविड-19 सिम्टम्स, मतलब आप कोविड-19 के सिम्टम से, लक्षण से फ्री हैं, फ्री हो गए, यानी आप नेगेटिव हो गए। जब मैं क्वारंटीन सेंटर में आया था, जब मैं जांच करवाया था, उस समय भी मेरा कोई लक्षण नहीं था और मैं पॉजिटिव घोषित कर दिया गया। और जब यहाँ से डिस्चार्ज होता है तो यहाँ वही होता है कि आप कोविड-19 के सिम्टम से, लक्षण से आप फ्री हैं, आपको, आप नेगेटिव हैं। तो बताइए कौन सा आधार है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये कौन सा आधार है। अब 10 दिनों पहले आप पॉजिटिव घोषित कर दिए जाते हैं और उस समय भी आपका कोई लक्षण नहीं होता है, और 10 दिनों बाद आप नेगेटिव घोषित कर दिए जाते हैं, उस समय भी आपका कोई लक्षण नहीं होता है। आप ही सभी लोग बताइए और अनुमान करें कि आखिर क्या है, क्या आधार है जांच का, जांच का मानक क्या है, जांच का आधार क्या है। अखिलेश रस्तोगी वो जांच के लिए तैयार था, वो जांच के लिए तैयार था कि आप मेरे परिवार वाले की, मेरी पत्नी की, मेरे बच्चों की, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनकी जांच करिए, मेरे पिताजी की जांच कीजिए, मेरी माँ की जांच कीजिए, आप सभी का जांच कीजिए, मैं तैयार हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगर वो पॉजिटिव होते हैं, कोरोना पॉजिटिव घोषित किए जाते हैं, तो वो होम क्वारंटीन रखने का मांग किया कि मेरे सभी परिवार होम क्वारंटीन रहें अगर वो कोरोना पॉजिटिव घोषित किए जाते हैं। इसमें क्या गलती थी बताइए, क्या गलती थी? आप क्वारंटीन सेंटर में सुविधा नहीं दे रहे हैं तो लोग क्यों जाना चाहेंगे क्वारंटीन सेंटर? इसलिए सभी संक्रमित व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं, वो क्वारंटीन सेंटर नहीं आना चाहते हैं, यहाँ की कुव्यवस्था को देखते हुए, यहाँ की लचर व्यवस्था को देखते हुए। आप अगर कोरोना पॉजिटिव है, आप बीमार हैं, आप यहाँ आकर के तो और बीमार पड़ जाइएगा। न यहाँ सही से पानी मिलता है, न यहाँ सही से भोजन मिलता है, न यहाँ कोई इलाज होता है। आप सभी लोगों को मालूम हुआ कि यहाँ तो इलाज होता है, क्वारंटीन सेंटर में ही तो इलाज होता है, लेकिन यहाँ कोई इलाज नहीं होता है मेरे भाई, कोई इलाज नहीं होता है। अखिलेश रस्तोगी की यही मांग थी कि आप जितने भी मेरे परिवार वाले का कोरोना जांच करेंगे, आप, मेरी एक शर्त है कि आप उन सभी को, अगर वो कोरोना पॉजिटिव घोषित किए जाते हैं तो उन सभी को होम क्वारंटीन में रखा जाए। और अभी कुछ दिन पहले 7 तारीख को बिहार सरकार का एक लेटर भी आया था कि अब जितने भी कोरोना पॉजिटिव होंगे उनको होम क्वारंटीन में रखा जाएगा। ये जान लीजिए आप लोग सभी, बिहार सरकार का एक लेटर आया है 7 जुलाई को कि अब जितने भी कोरोना पॉजिटिव होंगे वो उनको होम क्वारंटीन में रखा जाएगा, बरसते उनके पास होम क्वारंटीन के लिए एक सही जगह हो, एक उपयुक्त जगह हो। ये जान लीजिए आप लोग, बिहार सरकार का 7 जुलाई को एक लेटर आया है, निर्देश आया है कि आप जितने भी कोरोना पॉजिटिव घोषित किए जाएंगे उनको होम क्वारंटीन में रखा जाए, बरसते कि उनके पास एक अच्छी सुविधा हो, एक अलग लैट्रिन बाथरूम हो, अलग रहने का रूम हो। भाजपा नेता सा सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार अमर से जब इस मामले को लेकर सवाल पूछा गया तो देखिए क्या कुछ कहा अमरेंद्र कुमार अमर ने। देखिए, एक बात मेरा साफ कहना है कि कोरोना के बारे में मैं शुरू से ही संवेदनशील रहा हूँ, और जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से मेरा मानना था कि कोरोना को प्रशासनिक और जनता के सहयोग से ही उस पर काबू पाया जा सकता है। ये अनलॉकडाउन की प्रक्रिया भी इसीलिए शुरू हुई कि अनलॉकडाउन में सेलेक्टेड काम के लिए लोगों को जाना था, बहुत ज़रूरी काम के लिए जाना था, फिर घर में आना था, लेकिन उसका पालन हुआ नहीं। और हमने 2-2 बार जिलाधिकारी महोदय से बातचीत की, हमने उन्हें सुझाव भी दिया कि अनलॉकडाउन की इस प्रक्रिया को, बढ़ते हुए कोरोना मरीज की संख्या जब बढ़ रही है और बलिया में मुख्य रूप से
तो बलिया और बेगूसराय बाजार में, तो इसमें लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिलाधिकारी महोदय को कि जिन्होंने मेरे सुझाव को माना, और उन्होंने ये भी माना कि बेगूसराय की स्थिति बिना लॉकडाउन के कंट्रोल नहीं हो सकती है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता कि इसमें यदि कोई जाति धर्म व्यक्ति देख कर यदि उसके साथ प्रताड़ना होती है तो उसकी मुखालफत होगी। और बलिया में जो घटनाक्रम हुआ है और जो बातें आई है, यदि इस रूप में सख्ती है तो निंदनीय है, क्योंकि कोरोना से बचाने के लिए, कोरोना से बचने के लिए हम भी तैयार हैं, समाज का भी सहयोग है, मेरा स्वयं का सहयोग है, परिवार का सहयोग है, और जिला प्रशासन तो जागरण करती है, इसीलिए जागरण का काम उसी रूप में हो। हम पूरे समाज से ये अपील करते हैं कि आप आइए आगे बढ़कर, यदि कोरोना संक्रमित हैं और उनके संपर्क में आप आए हैं तो आपको जाँच के लिए स्वतः आगे आना चाहिए, क्योंकि इस जाँच में आप स्वयं सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपका समाज सुरक्षित रहेगा। इसीलिए ये एक बड़ा काम है और इस सामाजिक जिम्मेवारी के तहत इसको करना चाहिए। इस तरह की घटना यदि बलिया में हुई है तो ये निंदनीय है। और मैं ये साफ कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन लोगों के डर से प्रशासन वहाँ जाते नहीं, प्रशासन वहाँ पर यदि पॉजिटिव मरीज मिलते हैं तो उनको कह नहीं पाते। इसीलिए न ये जाति का सवाल है, न धर्म का सवाल है, जहाँ कहीं भी है कोरोना के चेन को ब्रेक करने के लिए उनको जांच में आना पड़ेगा, उनको क्वारंटाइन होना पड़ेगा, क्योंकि समाज को बचाना है, अपने को बचाना है, परिवार को बचाना है। अब सवाल ये उठता है कि क्वारंटाइन सेंटर पर वाकई सारा सुविधा उपलब्ध है या फिर सुविधा के नाम पर हो रही है धन की उगाही। ब्यूरो रिपोर्ट, बीटी न्यूज बिहार।